कांग्रेस पर मानो दुखों का पहाड़ टूटता जा रहा है। पहले कोरोना महामारी की जद में आकर कांग्रेस ने अपने कई दिग्गज नेताओं को गंवा दिया, लेकिन अब केरल से राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नीलांबुर से विपक्षी यूडीएफ के उम्मीदवार वीवी प्रकाश का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। प्रकाश मल्लापुरम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। कुछ महीने पहले ये उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रकाश के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मल्लापुरम डीसीसी के अध्यक्ष एवं नीलांबुर से यूडीएफ के उम्मीदवार वीवी प्रकाश जी का असामयिक निधन बेहद दुखद है। उन्हें एक ईमानदार और मेहनती कांग्रेस सदस्य के तौर पर जाना जाएगा, जो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हमेशा हैं। डीसीसी के सूत्रों ने बताया कि सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद प्रकाश सुबह एडक्कारा के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए थे, लेकिन स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें मंजेरी के अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों ने बताया कि सुबह करीब 5 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। कांग्रेस पार्टी को सत्तारूढ़ एलडीएफ से नीलांबुर सीट जीतने की उम्मीद थी। माकपा ने इस सीट से विधायक वीपी अनवर को उतारा था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, विपक्ष के नेता रमेश चिन्नीथला, आईसीयूएमएल नेता पीके कोल्हाली कुट्टी ने कांग्रेस नेता के निधन पर शोक जाहिर किया है। राज्य में 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुए थे और मतों की गिनती 2 मई को होगी। उससे पहले राहुल गांधी को और कांग्रेस को एक बड़ा झटका केरल से मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।